हरियाणा के वड्डे किसान आगू ने वो इस वक्त बस में सवार है, वो साडा मौजूद है चढ़ूनी साहब। अज दो टुक गल करोगे, मैं कल भी तुहाडे नाल गल कर रहा सीगा, तुसी क्या सीगा कि जे बैठक दे विच सानू फिर समझाया गया उठ के बाहर आ जाएंगे, अज भी कायम हो? नहीं, जे उन्होंने अज कोई साडी गल ना मन्नी तो साढ़े कोई चारा ही होर है नहीं, मतलब कोई विचाले का रस्ता तो है नहीं भी आ चार मंगा लेके चले तो दो मन लिया उत्थे कोई समझौता नहीं होएगा। चढ़ूनी साहब, जिस तरीके ना तुसी पहले दिन तो बेबाकी नाल बोलते रहे हो, बैरीकेड तोड़ के तुसी अगे वधे हो, अज मैनू इउं लगता कि तुसी बड़े डिप्लोमैटिक तरीके ना बोल रहे हो कि यह मंथन होया कि घट तो घट गल करनी है, बैठक तो पहला गल नहीं करनी, कोई चारा ही नहीं। पहला जी मीटिंग कीतिया ने उन्हें जी डिस्कस की है वह भी कोई लंबा चौड़ा फल सामने नहीं आया, तो गल तो मोटी मोटी जो सा फैसला ही है इन्हें तो घट मनना नहीं, फिर कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं बचता। अजक साढ़े भी घट गल कर रहे हो, घट बड़ा नाप तोल के बोलते पे हो, जिस तरह पहला बड़ा बेबाकी ना बोलते हो चढ़ूनी साहब, मैं तुम्हें लगातार सुनता आ रहा। अज मैं इं लगता कि तुम सारे किसानों ने एक फैसला किया कि मीडिया सामने घट तो घट बोलना, बैठक तो बाद ही बोलना, कोई रणनीति यहोजी है जी बचा के रखी हुई है? नहीं, यहोजी कोई रणनीति नहीं है, गल सिर्फ हूँ मैं कुछ कहा कर जाएंगे वो चंगा नहीं लगता, इस करके संतुलित इस करके बोलना पड़ेगा कि एक तो असं मीटिंग जा रहे हैं, मीटिंग के रिजल्ट तो बाद ही कोई हाँ तो ना या जो भी होएगा वो कहने वास्ते बंदा खुला होएगा, तो हुण जिहड़ा जदों जा मीटिंग वास्ते रहे हैं गलबात वास्ते जा रहे हैं उदू पहला कुछ कहना तो वह मैनू लगता नहीं भी उहदा कोई फायदा होएगा। सरकार ने कुछ तुहाडे आगुआं नाल संपर्क किया जे जानकारी दे सकदे हो तो? नहीं, मेरे कोई जानकारी नहीं है, पर सरकार ये शरारतां कर लैंदी है, सरकार इस तरह की शरारतां कर लैंदी है कि भी जो सारे च गल ना बने वह कल कल की तोड़न की कोशिश दसा चार चंदा है, हर स्टेप होंगे ने अंदोलन तोड़ने समझाना वो सारे एजिटेशन वो स्टेप पार कर लेंगे, जा होंगे लाल काफिला आज मीटिंग लिए रवाना हो जा रहा बंदियों के नाल प्रेरित करना करनिया डंडे मारने पानी मारना गोली मारना ये तीजा स्टेप भी असी पार कर चुके, चौथा स्टेप होंगे फुट पाना, जिस अंदोलन दे विच फुट नहीं पैंदी वो अंदोलन जो मर्जी गल मनवा के उठ ले, जे फुट पै जे फिर जीरो तो उठेगा। हुण असी चौथी स्टेज पर पहुंचे पर क्योंकि देश के सारे संगठनों जोड़ के रखना भी एक बहुत बड़ी गल हुंदी है, इहदे च कई संगठन वह होंगे ने जिहड़े सरकार ने खड़े किए होंगे या दिखावे वाले होंगे ने या अंदरों ज़्यादा साफ नहीं होंगे, फिर भी अज के टाइम में जिहड़ा अंदोलन चल रहा वो सारे असी हुण तक तो सारे असी रल मिल के तो सलाह नाल चल रहे हैं। तुहानूं अजे शक है भी टुट भज कराई जा सकती है, शक है? नहीं, सरकार हमेशा प्रयास करती है अंदोलन बदनाम करने के प्रयास करती है, जिवें जाट अंदोलन बदनाम किया अंदोलन आप मुहारा करने के प्रयास करती है, ये सारी चीज़ें फुट के हिस्से होंगे ने, जिमें असी इतने छे बंदे फड़े ने दो लेडीज़ भी सी वो वीडियो बना रहे ने कुछ कर रहे ने, सरकार अपने बंदे विच पवा के कुछ गलत करा देंदी है, ये सारी चीज़ें फुट का या बदनाम करन का कारण होंदिया है, जो चौथे स्टैप के अंदोलन पहुँच जाए तो फिर ये चीज़ें शुरू होंदी है। तुहाडे ते भी बड़े शब्दी हमले किए गए चढ़ूनी साहब, बीजेपी के वड्डे लीडर ने तुहाडे बारे कहा कि ये किसान नहीं है, ये तो आड़ती है, आड़ती तो अगे भी कई शब्द वरते गए, तुहानू उन्हां शब्दों का पता हैगा, तुसी असल में किसान हो? सानू तो उन्होंने देशद्रोही भी कहा है, तो जिथे तक रही किसान की हो मैं तो बागड़ी नज़र आ रहा, मैं लोहा कुटन वाला तो है नहीं, मैं तो किसान हाँ, तो लोहा कुटन वाला भी किसान ही हुंदा है, भी तुहानू दस दिया मैं, ठीक है, तो मैं अंबाणी नहीं अडाणी नहीं, मैं तो एक सादा बंदा वा, पांच सत्त किलिया का मालक हाँ, ये भी नहीं है कोई मेरे को बड़ी प्रॉपर्टी कोई सैकड़े किले है मेरे को, ये बदनाम करते इन्होंने मैं देशद्रोही भी कहता, तुम मैं ये दसो मैं असी देश बचाने वास्ते अंदोलन लड़ रहे हैं, इस अंदोलन के 30-32 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, अंबाले तो लैके इतों तक बैरीकेड तोड़ दिया 3 मुकदमे 307 दर्ज हो गए हैं, 307 इरादा कदम, तो मैं देश बचाने वास्ते लड़ रहा मैं तो देशद्रोही हो गया,
ये जिहड़े देश वेचण वास्ते हथकंडे अपना रहे ने, इन्होंने रेलां बेचतियां, हवाई अड्डे बेचते, इन्हां सड़कां बेचतियां, इन्हां ने कंपनियां बेचतियां, इन्हां ने की बेचता, ये देश भगत हो गए। मतलब साड़ी जिहड़ी लड़ाई है वो देश नूं बचाण दी है, ये की बोलते ने वो गल मैंने नहीं रखती, पर जनता की बोलती है वो गल मैंने रखती है। सरकार तुहानूं किसान आगू वजों सद रही है बैठकां दे विच लगातार, और मैं रिश्तेदार हाँ उन्हों का, रिश्तेदार देखो नहीं, मैं किसान आगू वजों ही सद रही है। तो अज उन्होंने खोपड़े च बह गई है, अज उन्होंने दिमाग च बह गई है कि हाँ ये आगू है, तो ये जड़ा है इस तो गल करने तो बिना काम नहीं चलेगा। उन्होंने पहला जी चिट्ठी भेजी सी ना, वो पंजाब की कल्ली जथेबंदियों को भेजी सी, तो जो नहीं सरिया फिर मैं बुलाया। हरियाणा के किसानों बारे मुख्यमंत्री का बयान सीगा कुछ दिन पहला, वो अज उस बयान पर कायम है या नहीं है सानू नहीं पता गा, पर उदो उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान इस अंदोलन में नहीं है गे। हुण तुसी कह रहे हो देश का अंदोलन है, हरियाणा के किन्ने किसान चडूनी साहब इत्थे पहुंचे हुए? ये कई बार देख चुके ने, पर मैं कहना बे जिवें कोई बेसरमी फड़ लैंदा बंदा उहदा कोई इलाज नहीं हुंदा। हुण तुसी ये दसो जे हरियाणा के किसान नहीं तो फिर अंबाले तो लैके दिल्ली तक के बैरीयर किने तोड़े ने? पाकिस्तानिया ने, इन्हां दी फोर्स ते लगी सारी जगह। जे किसान ही हरियाणे दे है नहीं फिर मुकदमे दर्ज साडे कहनू किते जे असीं हरियाणे दे ही नहीं? तो दूजी गल दुष्यंत घेरिया है उत्थे, इन्हां नूं किसान नज़र नहीं आए, पीपली जिहड़े साडे सिर फुटे इन्हां नूं पूरे 54 बैरीकेड कुरुक्षेत्र दे विच 10 सितंबर नूं सैकड़े बैरीयर हरियाणे चलाए, सारे तोड़ तोड़ के लोग आए, इन्हों हरियाणा के किसान नज़र नहीं आए। बिजनू जड़ा चित्र मार के भेजे है, जड़ा अंबाले का एम पी है उन्होंने जड़ा भजाया है, वो किसान हरियाणा के नज़र नहीं आए। जड़ा इन्होंने ट्रैक्टर रैलिया कढ़िया है हर जगह इन्हों का विरोध होया, उत्थे इन्हों हरियाणा के किसान नज़र नहीं आए। जे फिर भी नज़र आए फिर रखा देने हुणे। दूजा जड़ा है ये बेहया लोग, हरियाणा का कृषि मंत्री बयान दे रहा है की जनाब जे पी दलाल बयान दे रहा है, कहता जी इन्हों पाकिस्तान ऐड कर रहा है, इन्हों चीन ऐड कर रहा है, डुब के नहीं मरिया जाता इन्होंने लोगों को, कहते ने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिहो जे ये खुद ने ना, जिहो जे खुद ने बाहरों ऐड ले रहे ने, पहला साडे देश च कोई पार्टी बाहरों ऐड नहीं सी ले सकती, पर हुण जिहड़ा है इन्होंने कानून बनाता 2018 च भी बाहरों भी ऐड ले सकते हो इस पार्टी ने, तो उहदा कोई हिसाब नहीं मंगेगा, उहदा कोई हिसाब नहीं मंगेगा। तो ये जिहड़ा है ये अपने वर्गा ही सारे नूं समझदे, तो ये बिल्कुल के बयान मतलब जिहदे नाल एक कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। दस क्यों नहीं देंगे अंदोलन कि चला रहे हो, दस दो ना उन्होंने? आ दसते रहे हैं, तुम देखा नहीं है इन्होंने पता नहीं उन्होंने पुलिस नहीं उन्होंने CID नहीं, हर पिंड तो लंगर वास्ते सेवा आ रही है, इन्ना राशन इकट्ठा हो गया, लोग इतने आके जाकटा बंड रहे ने, कंबल बंड रहे ने, गद्दे बंड रहे ने, चप्पल बंड रहे ने, टूथपेस्ट ब्रश तौलीए साबणा लंगर किन्ना बिस्कुट खरे की बना के लिया रहे लोग, कि पानी दिया बोतल लोग गड्डिया भर भर के ट्रालिया भर भर के लिया रहे ने, इन्हों नज़र नहीं आज करता खर्चा ये जड़ा जड़ा मूँह जो मूँह आया वक्ता बस वो गल है। हुण मैं आखिरी सवाल कर रहा चडूनी साहब, केंद्र नाल बैठक विच्चों कोई नतीजे की उम्मीद लैके चडूनी साहब इस बस में सवार है जां सिर्फ एक खाना पूर्ति करन जा रहे हो? जे मैंने नहीं जी पूछो तो कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं। बहुत धन्यवाद चडूनी साहब। ये सन गुरनाम सिंह चडूनी जिन्होंने साफ तो स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर कह दिता कि मैनू कोई उम्मीद नहीं जापती। गुरनाम सिंह चडूनी बहुत तजर्बेकार है, बड़ा लंबा इन्हों तजर्बा हैगा किसान आगू ने, यह इन्हों हरियाणा की सियासत का भी पता, तो देश के किसान जी सियासत की जाती उस बारे भी जानकारी है। ये कहते मेरी निजी राय है कि मैनू कोई नतीजा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा गा, पर जथेबंदियों की राय के मुताबिक इन्हों आशावादी सोच के उत्थे जाना पै रहा, यह भी इन्हों का कहना है।